अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ में दिन निकलते ही डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई। घर में घुसकर दंपति की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और हत्या से जुड़े सबूतों की तलाश में जुट गई है। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो रिश्तों में अनबन के कारण कत्ल की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मर्डर के हर एंगल पर जांच में जुटी है। दरअसल नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर सेक्टर 6 में प्रमोद उम्र 53 साल अपनी पत्नी 52 वर्षीय ममता के साथ रहते थे। पुलिस ने बताया कि सेक्टर 6 के इस 2 मंजिले मकान में नीचे के पोर्शन में प्रमोद के माता पिता रहते हैं। ऊपर की मंजिल में प्रमोद अपनी पत्नी के साथ रहते थे। किसी ने पति पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। प्रमोद साहिबाबाद की किसी आयरन फैक्ट्री में काम करते थे जबकि ममता BDS स्कूल में शिक्षिका थी। माना जा रहा है कि रात को खाना खाने के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस देख रही है कि घर के अंदर कौन आया और किसने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि अभी तक की विवेचना में रिश्तों में अनबन के कारण कत्ल की आशंका जताई जा रही है। इस बारे में पड़ोस के रहने वाले शिवम ने यह जानकारी दी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। शिवम, आज आप घर में पहुंचे, क्या देखा आपने घर में और इनका क्या गेट क्या? इनका गेट बंद था, ये मेन गेट जो है ये बंद था। अम्मा जी ने बड़ी मुश्किल से गेट खोला है, गिरते पड़ते जैसे भी खोला है। फिर मैंने पूछा इनसे कि अम्मा जी स्वास्थ्य ठीक है कैसा है, तो आंटी कह रही कि मेरे को नहीं है पता, मेरी हमारी हालत ख़राब है, हम पे उठा नहीं जा रहा, अंकल तेरे बेहोश पड़े हैं। तो मैंने उसके लड़के से बात कराई इनकी, तो फिर उन्होंने बात करी, तो मैंने जैसे फ़ोन लिया मैंने कहा चल ठीक है मैं निकल रहा हूँ। तभी उसने बोला मेरे को कि एक बार पापा मम्मी को और देख लो, वो भी नहीं उठा रहे हैं फ़ोन, ऊपर जाकर देख के आओ। फिर मैं ऊपर गया तो जैसे मैंने गेट खोला तो सामने वो उनके शव पड़े थे दोनों। किस कंडीशन में थे और क्या नज़ारा था जब आप ऊपर? कंडीशन लेटे हुए थे, खून लग रहा था उनके कंडीशन, तो अब ऐसे कुछ पता नहीं कि सामान वामान बिखरा हुआ है। खुद तो इनके हस्बैंड का नाम था। क्या काम कर रहे? काम मेरे को पता नहीं, सरिया फैक्ट्री वगैरह में कुछ जॉब थी इनकी। और जो ममता जी हैं जिनका है वाइफ है इनकी, वो BDS इंटरनेशनल स्कूल में वो थी टीचर। कब से यहाँ पे रह रहे हैं और मतलब क्या? बचपन से रह रहे हैं हमारे यहाँ, तो मैं बचपन से रह रहा हूँ, जब से तो मैंने देखा ही है। मेरे को 25 साल हो गए लगभग, तो इतना तो आई। SSP रोहित सिंह सजवान ने यह जानकारी दी। थाना नौचंदी के अंतर्गत यहाँ पे सेक्टर 6 यहाँ पे एक मकान है, इसमें 4 लोग एक घर में रहते हैं, पति पत्नी ऊपर वाले मंजिल में रहते हैं और उनके जो माता पिता हैं वृद्ध माता पिता वो नीचे वाले मंजिल में रहते हैं। जो इनमें से ऊपर की मंजिल में जो बुजुर्ग रहते हैं उनकी धारदार हथियार से हत्या की गई है, और जो धारदार हथियार से जो हत्या की गई है वो अभी मौका मुआयना किया गया, तो ये घर में लूटपाट जैसी स्थिति नहीं है, कोई लूटपाट नहीं की गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी ने धारदार हथियार से उनकी हत्या की है। और जो मृतक हैं इसमें वो गाजियाबाद में एक प्राइवेट फैक्ट्री में कार्य करते हैं, सरिया फैक्ट्री में कार्य करते हैं, और जो उनकी पत्नी है वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का कार्य करती हैं। उनकी उम्र लगभग 45 साल है और जो मृतक है उनकी उम्र 50 साल के आसपास है। यहाँ मौके पे फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, और जो हत्या के जो कारण है और उसका जो कारण है, आसपास CCTV फुटेजेस भी कुछ हमें मिली हैं, उसका भी अभी विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे कि घर में कौन आया कौन गया उसका पता चल सके। और इसमें मृतक के परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी कराई जा रही है, और जिसके आधार पर फिर आगे जो घटना का नवारण है वो जल्दी किया जाएगा। अभी जस्ट अभी एक घंटे पहले की ये सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि अभी हमारे जो टीमें हैं, फॉरेंसिक टीम है, SOG टीम है, सर्विलांस टीम है, सभी लगातार कार्य कर रही हैं और बहुत जल्दी इसका नवारण कर लिया जाएगा। सर, हत्या के वक्त घर में कौन कौन सदस्य मौजूद था? क्या ये दोनों अकेले थे या कुछ और? ये ऊपर की जो मंजिल है इसमें जो मृतक हैं दोनों पति पत्नी वो रहते थे, इनके जो माता पिता हैं जो मृतक के ये नीचे की मंजिल में रहते थे, और घटना के वक्त जो बताया जा रहा है कि नीचे वाली मंजिल में इनके जो बुजुर्ग माता पिता हैं वो भी रह रहे थे, और संभवतः ये हत्या खाना खाने के बाद रात को हुई है, और इसका अभी जल्दी अनावरण कर लिया जाएगा। ये जो सुबह इनके जो बेटे गुड़गांव में रहते हैं उनका फ़ोन के पड़ोस में आया कि इनके जो माता पिता हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे, और जो पड़ोसी व्यक्ति हैं वो इनके घर में आए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो जो महिला हैं नीचे रहती हैं उन्होंने दरवाज़ा खोला, और उसके बाद ही ऊपर जाके देखा तो जो दंपत्ति हैं उनका जो शव है वो बेड पे पड़ा हुआ था, और उसके बाद ही इनको ये सूचना प्राप्त हो पाई। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए पोस्ट बाइट TV, और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।